है एवरीवन वेलकम बैक टू सफलता डॉट कॉम माए नी जिशांक तोमर ए ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेनर इन सफलता एजुकेशन स्वागत है आप सभी लोगों का इस ग्राफिक डिज़ाइन सीरीज़ में जिसका नाम है फ़ोटोशॉप ट्रेनिंग इन दिस सीरीज़ दिस इज़ द सेकंड एपिसोड जो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हाउ टू यूज़ फोटोशॉप बेसिक टूल्स एंड लेयर ऑप्शन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर आपको फोटोशॉप की स्क्रीन दिख रही है अभी मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटोशॉप का डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा हुआ है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ दी वर्क स्पेस ऑफ फोटोशॉप जिसमें आपको सारे पैनल्स यहाँ पर विजिबल है बीच में आपको बड़ा सा एक कैनवस का साइज़ आपको डॉक्यूमेंट का पेज वहाँ पर दिख रहा होगा सो so, इस डॉक्यूमेंट का साइज़ है डिफॉल्ट फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप फोटो साइज सो so, आप जब भी क्रिएट करोगे तो आप यू वाई दवा यू कैन क्रिएट एनी साइज ऑफ द पेज और कैनवास बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द टूल्स ऑप्शंस एंड द लेयर ऑप्शन तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट टूल्स अगर हम टूल से स्टार्ट करें तो लेफ्ट साइड में आपको टूल बॉक्स या टूल बार विज़िबल रहता है जिसमें आपको ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी सारे टूल्स विजिबल हैं एक एक करके हम सारे टूल्स के बारे में तो देखेंगे आगे के एपिसोड में लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक टूल्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप फोटोशॉप में बेसिक से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो लुकिंग एट द फर्स्ट टूल विच इज़ द मूव टूल ओके आप कभी भी अपने माउस कर्सर को अगर किसी भी टूल के ऊपर आप होवर करोगे माउस को ले जाओगे तो आपका एक टूल टिप वहाँ पर दिखता है जिसमें उस टूल का नाम कुछ उस टूल का डिस्क्रिप्शन uh, कि वो टूल क्या करता है और एक वीडियो का प्रीव्यू भी मिलता है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए अगर हम फर्स्ट टूल पे जाते हैं तो इसका नाम आप देख सकते हो मूव टूल साथ ही साथ इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट विच इज़ वी ऑन द कीबोर्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है मूव से सिलेक्शन और लेअर तो इससे आपको समझ में आता है कि वॉट डज दिस टूल डू तो समझते हैं क्या करता है ये टूल देखिए नाम से ही पता पड़ जाता है मूव टूल मतलब ये किसी चीज़ को मूव करने के लिए अगर हमें कुछ मूव करना है तो हम इस टूल को यूज़ करेंगे तो इस टूल को क्लिक करते हैं जैसे ही आप इस टूल को क्लिक करोगे आपका कर्सर एक ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ एक फोर साइडेड एरो का आइकन मिल रहा है आपको तो दिस इज़ मूव टूल अब ये काम क्या करता है दिस वर्क्स टू सिलेक्ट एनी लेयर बाई क्लिकिंग द माउस लेफ्ट माउस क्लिक तो मैंने लेफ़्ट माउस क्लिक को क्लिक किया और इसने जो मेरे लेयर पैनल के अंदर एक लेयर जो डिफ़ॉल्ट लेयर आपकी रहती है लेयर ज़ीरो वो इसने सेलेक्ट कर दी अब यहाँ पे शायद आपको ये सिलेक्शन नहीं मिल सकता होगा क्योंकि देखते हैं क्यों अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो लेयर पैनल को मैं थोड़ा सा और रिसाइज कर लेता हूँ रेयर पैनल को मैं यहाँ पर ले आता हूँ ठीक है ताकि आपको पूरा लेयर पैनल दिखे अब लेयर पैनल्स पे तो हम बात कर रहे हैं लेकिन उस लेयर पैनल होता क्या है लेयर्स क्या होती हैं वो भी समझेंगे अभी कुछ ही टाइम में बट एक बार अभी जितना आप यहाँ पर देख रहे हो उसको समझिए तो यहाँ पर अभी जो मेरे पास लेयर्स हैं इसमें लेयर्स ये एक ही लेयर है लेयर ज़ीरो और ये बिल्कुल नॉर्मल लेयर है इसको मैं क्लिक करके Uh, मैंने क्लिक किया ये आप देख सकते हो एक बाउंडिंग बॉक्स बन चुका है आपके लेयर के चारों तरफ तो ये बाउंडिंग बॉक्स बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट या ले ये लेयर सिलेक्टेड है और बीच में एक कर्सर भी आपको दिखता है जो दर्शाता है कि ये एक सेंटर पॉइंट है अब इसको मैं क्लिक एंड ट्रैक करके कि आप माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखिए और जब आप माउस को मूव करोगे तो आप देख सकते हो आप उस लेयर को मूव करके इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो दैट मीन्स कि मूव टूल हमारा काम कर रहा है ठीक से तो मूव टूल का यूज़ करने के लिए आप मूव टूल सेलेक्ट करो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए आप उसको सेलेक्ट करो बाई यूजिंग लेफ्ट माउस क्लिक ऑफ योर माउस एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड रैक बाई क्लिकिंग एंड होल्डिंग द लेफ्ट क्लिक ठीक है आप माउस को मूव करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट भी उस डायरेक्शन में मूव होगा सिमिलरली ये सिर्फ मूव करने के लिए नहीं है ये सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए नहीं है इससे आप किसी भी लेयर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म भी चेंज कर सकते हो ट्रांसफॉर्म इन द सेंस आप इसका वर्थ हाइट साइज चेंज कर सकते हो रेस्पेक्टिवली तो कैसे चेंज करते हैं तो वो वहाँ पर काम आता है आपका ये बाउंडिंग बॉक्स बाउंडिंग बॉक्स के चारों कोनों पे आपको कुछ स्क्वेयर दिख रहे हैं और बीच में कुछ स्क्वेयर दिख रहे हैं तो इन्हीं स्क्वेयर्स को यूज़ करके इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपने लेयर्स का या ऑब्जेक्ट्स का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो चलिए कै देखते हैं कैसे करते हैं इसको अभी मैं क्या करना चाहता हूँ मैं इसको यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ मैं इसका साइज छोड़ा थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो लेट्स जस्ट गो बैक एंड हियर इधर नीचे वाले कोने की तरफ मैं अपना माउस ले जा रहा हूँ तो जैसे ही एक पॉइंट के ऊपर आप अपना माउस ले जाओगे तो ये कुछ कर्सर चेंज कर देगा जैसे कि अभी एक डाइगनल डबल हैडेड एरो आ रहा है मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँगा तो ये हॉरिजॉन्टल डबल हैडेड एरो आएगा सिमिलरली लाइक like, यहाँ भी पे भी कॉर्नर्स पे डाइगनल आएगा और जो टॉप के और बॉटम के हैं उस पर वर्टिकल और जो लेफ़्ट और राइट right और लेफ्ट के पॉइंट्स uh, हैं उस पर हॉरीजोंटल आपको डबल हैडेड एरो मिलेगा अब काम क्या है इसका कि आप जब भी इस पे पॉइंट पे जाओगे और क्लिक एंड ड्रैग करोगे अपने माउस को आपको लेफ्ट माउस क्लिक को क्लिक एंड होल्ड करना है और अपना माउस ड्रैग करना है तो आप उसको मूव कर पाओगे और रिसाइज़ कर पाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन में लाइक आप इसको अप एंड डाउन नहीं कर पाओगे आप उसकी हाइट चेंज नहीं कर पाओगे लेकिन आप इसका विर्थ चेंज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन लेफ्ट और राइट पॉइंट्स अगर आपको हाइट चेंज करनी है तो आप जाइए ऊपर वाले और बॉटम वाले पॉइंट्स पे तो आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट राइट इट इज सो इजी तो बहुत ही ईजी आप हाइट एंड विर्थ को अलग अलग चेंज कर सकते हैं अभी आप चाहते हैं कि विर्थ एंड हाइट आपको एक साथ चेंज करनी है तो आप जाइए किसी भी कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आप किसी भी आप विर्थ एंड हाइट दोनों को एक साथ चेंज करके यूज़ कर सकते हैं तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ मूव टूल टू सिलेक्ट टू मूव एंड टू रिसाइज़ एनी शेप और एनी लेयर ठीक है अब आते हैं उस पॉइंट पर कि आप अगर आप क्यों इसको नहीं कर पा रहे हो एडिट वो इसलिए कि अगर आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हो मैं भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ सेम साइज़ ले लेंगे तो जभी भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट लेर होती है लेयर पैनल के अंदर इसको आप क्लिक एंड ड्रैग नहीं कर पाते हो कुछ भी नहीं कर पाते हो और जैसे ही आप कुछ करते हो तो यहाँ पर लिखा था है करंटली सिलेक्टेड लेयर इज़ ए बैकग्राउंड लेयर यू कैन नॉट मूव ए बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी आप कुछ नहीं कर सकते इस बैकग्राउंड लेयर में ना तो उसे मूव कर सकते हो ना उसको उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो ना ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो हाउ एवर यू कैन कन्वर्ट इट टू ए नॉर्मल लेयर एंड देन चेंज एनी ऑफ दिज एटीब्यूट्स तो आप इसको आपको इसको एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना बैकग्राउंड लेयर इज समथिंग दैट इज जो लॉग्ड रहती है राइट right? जब भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड लेयर होगा ये हमेशा लॉग्ड रहेगा जिसको आप मूव नहीं करोगे फिर मूव नहीं कर सकते तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर सकते हो विच विल मूव इट एंड रिचुअल कन्वर्टेड इन टू ए नॉर्मल लेयर जिसको आप मूव सिलेक्ट सब कुछ कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इस जगह पर जाइए लेयर पैनल के अंदर आपको ये एक प्रीव्यू मिल रहा है लेयर का बैकग्राउंड लिखा हुआ है आप यहाँ पर जाइए और इस लॉक को क्लिक कर दीजिए अब इससे क्या होगा आपका वो लॉक हट जाएगा आपका बैकग्राउंड लेयर एक नॉर्मल लेयर ज़ीरो के नाम से यहाँ पर प्रीव्यू में आ जाएगा अब सेम चीज़ आप कर सकते हो हमेशा जस्ट गो टू सिलेक्ट मूव टूल सेलेक्ट मूव रिसाइज जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो सो so, ये था सबसे बेसिक टूल जो फोटोशॉप में आपको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा सो दिस टूल इज़ मूव टूल तो जब भी आप नॉर्मल यूज़ भी करोगे ना फोटोशॉप का सो so ये हमेशा आपको सिलेक्ट करके रखना होगा ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से क्लिक कर पाओ और अरेंज कर पाओ ठीक है अब आते हैं हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट uh, में तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ हाँ <coughs> uh, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टैब मिलता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के नेम रहते हैं जैसे कि अन टाइटल टू मैंने नाम नहीं लिखा था अन टाइटल वन जो हमारा पहला वाला डॉक्यूमेंट था और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जूम परसेंटेज यहाँ पर मिलती है सपोज करिए आपको ज़ूम आपने जूम आउट किया है तो ये अभी ट्वेंटी फाइव परसेंट के जूम लेवल पे है इसका जूम करोगे तो ये अपना उतना ही जूम को आपको दिखा देगा कि यू आर जूमिंग वन ट्वेंटी एक्सक्यूज मी दैट यू आर जूमिंग इन वन ट्वेंटी सेवन परसेंट जूम सिमिलरली आपको लेयर सिलेक्ट दिखा देगा एंड आर जी बी मोड जो कि आप सिलेक्ट करते हो डॉक्यूमेंट बनाते वक्त तो इसको क्लोज करने के लिए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आप उस नेम टैग के आगे की तरफ एक राइट में एक क्रॉस का साइन आपको मिलता है जिसको आप क्लोज करने के लिए यूज़ कर सकते हो अभी <coughs> मैं इसको सेव नहीं करूँगा तो सेव नो चेंजेस करूँगा मैं अब फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट पे आते हैं और इसको थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू माई कैनवास और जब भी आप कुछ मूव सेलेक्ट या ट्रांसफ़ॉर्म करते हो आपको उसको कन्फर्म करना होता है राइट right? कि हमने कुछ ट्रांसफॉर्म किया है नाउ वी वॉन्ट टू कन्फर्म इट वी वॉन्ट टू फिक मेक इट परमानेंट तो आप क्या करोगे या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हो ऑन योर कीबोर्ड या फिर आप जब ऊपर टूल बॉक्स टूल ऑप्शंस के तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है यहाँ पे आपको एक कंफर्म या कमिट ट्रांसफॉर्म का आइकन uh, मिलता है इसको क्लिक करके भी आप उसको कंफर्म कर सकते हो नाउ यू कैन सेलेक्ट एनी अदर थिंग एनी अदर लेयर, एनी अदर ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ कंफर्म। ओके अब समझते हैं कि लेयर पैनल क्या होता है और लेयर्स क्या होती हैं देखिए जब भी आप किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो तो आपको बहुत सारे फोटोज़ के साथ बहुत सारे शेप्स uh, के साथ या ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करना होगा uh, क्योंकि आप बहुत सारे एक कंपोजिशन बनाते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो रखनी होती है तो वहाँ पर लेयर्स का बहुत बड़ा यूज़ uh, होता है तो लेयर्स इसी तरीके से होते हैं जैसे सपोज कि आपके पास एक बुक है और जब आप उस बुक को ओपन करते हो तो आपके पास बहुत सारे पेपर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड मिलते हैं राइट आपके पास जो बुक्स में पेपर होते हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड मिलते हैं वो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं तो जिस तरीके से वो एक पेपर को एक लेयर बोलते हैं हम इन फोटोशॉप तो जिस तरीके से वो एक पेपर के नीचे दूसरा पेपर और उसके नीचे तीसरा पेपर होता है सिमिलरली फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट में हम जब वर्क करते हैं तो इसी तरीके से हम बहुत सारी लेयर्स बनाते हैं तो एक पेपर मतलब एक लेयर अब काम क्या होता है इनका कि ये लेयर्स काम करती हैं फॉर डिफरेंट परपजेज़ सपोज़ कीजिए आपको डिफरेंट इमेज़ यूज़ करनी है तो आप डिफरेंट लेयर पर रखोगे ताकि आप हर एक फ़ोटो uh, को हर एक इमेज को आप अलग अलग मूव कर सको अलग अलग उसको एडिट कर सको राइट right? हर एक लेयर अपने आप में खुद में एक इंडिपेंडेंट लेयर होती है सेकेंड यूज़ ये भी होता है कि आप जब भी एक लेयर को दूसरी लेयर से ओवरलैप करते हो तो पीछे वाली लेयर ढक जाती है जस्ट लाइक योर बुक या जस्ट लाइक एनी अदर पेपर जब आप एक पेपर लोगे नीचे रेड कलर का पेपर उसके ऊपर आप एक येलो कलर का पेपर ओवरलैप कर दोगे आधा रेड पेपर ढक जाएगा उससे तो आप सिर्फ रेड पेपर का उतना ही पार्ट देख सकते हो जितना पार्ट आपने आ, उतना पार्ट नहीं देख पाओगे जितना पार्ट आपने येल्लो कलर के पेपर से ढका हुआ है तो इसको भी हम यूज करते हैं जब आप डिफरेंट डिफरेंट इमेज के साथ वर्क करते हो तो ओवरलैप करोगे तो वही विजिबल होगा जो सबसे टॉप पे होगा पेपर और एक और चीज़ होती है कि लेयर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं इन मास्किंग मास्किंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक अलग सेशन में समझेंगे लेकिन अभी के लिए हम लेयर्स को समझ लेते हैं तो लेयर्स आर लाइक डिफरेंट परत अगर हम हिंदी में बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट परत होती है ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स तो आप सपोज कीजिए आप एक बैकग्राउंड लगा रहे हो विच इज़ ऑन डिफरेंट लेयर उसके ऊपर आपने एक अपने उसके ऊपर आपने कुछ लोगों की फ़ोटो लगाई है तो उसके वो डिफरेंट लेयर्स पे होगी और साथ ही साथ आपने कुछ टेक्स्ट यूज़ करा है तो वो भी डिफरेंट लेयर पे होगा ताकि आप टेक्स्ट को अलग एडिट कर सको फोटोज़ को अलग एडिट कर सको और बैकग्राउंड्स को अलग एडिट कर सको सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन मैनेज अभी देखते हैं ये काम कैसे करता है प्रैक्टिकली इसका यूज़ कहाँ पर है कैसे है तो वो देखते थे देखिए लेयर पैनल में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर नाम आपको लेयर्स का मिलता है साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन uh, मिलते हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको लेयर का प्रीव्यू मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ एक लेयर है जिसका नाम है लेयर ज़ीरो अभी लेयर ज़ीरो का यहाँ पर एक प्रीव्यू भी मिल रहा है आप देख सकते हो प्रीव्यू थंबनेल जो कि अभी वाइट कलर है तो यहाँ भी वाइट कलर है और उसके लेफ्ट में एक आई बटन आपको मिल रहा है तो आई बटन क्या करता है इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी आप अगर किसी लेयर को अगर ये आई बटन ऑन है अभी ये लेयर का आई बटन ऑन है तो ये विजिबल है आप चाहते हो कि ये लेयर मुझे नहीं देखनी है कुछ टाइम के लिए या इसको आप सेव करना चाहते हो लेकिन ये लेयर नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको ऑफ कर सकते हो ऑफ़ करने के लिए आप बस क्लिक करो लेफ्ट माउस क्लिक तो ये ऑफ हो जाएगा उस लेयर पे जो भी चीज़ होंगी वो सब इनविजिबल हो जाएंगी तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो ऑन डिफरेंट पर्पजेज इसको मैं अभी ऑन कर देता हूँ ताकि आप सभी को सारे चीज दिखें आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो फॉर चेंजिंग द नेम ठीक है डबल क्लिक ऑन दी नेम टू तो चेंज द नेम ओर दपोज करिए मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड ठीक है एंड यू कैन सिलेक्ट एनी लेयर बाय सलेक्टिंग फ्रॉ सेलेक्टिंग दिस बाई क्लिकिंग ऑन द लेयर फ्रॉम लेयर्स पैनल तो आपका लेयर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा एट दी बॉटम आपको और ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं लेयर पैनल में तो so, सबसे राइट right में आपको मिलता है डिलीट बटन और अभी डिलीट बटन ऑन नहीं है ये इसको मैं क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक लेयर है so, आपके एक तो आपके पास एक लेयर तो मिनिमम रहेगी फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट में तो उसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे लेकिन लेफ्ट बटन लेकिन डिलीट के जस्ट लेफ्ट में एक बटन आपको मिलता है विच इज़ क्रिएट ए न्यू लेयर क्रिएट आपको दूसरी लेयर बनानी है तो आप क्या करोगे जस्ट क्रिएट ए न्यू लेयर जैसे ही आप क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक करते हो आपका एक लेयर बन जाएगा जो कि सिलेक्टेड लेयर के ऊपर बनेगा ठीक है आप न्यू लेयर सेलेक्ट करोगे तो वो ऊपर की तरफ बनेगा अभी जो ये लेयर बनती है ये बाय डिफॉल्ट एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनती है आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर वाइट है क्योंकि ये वाइट कलर के साथ फिल्ड है लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखेगा लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीज़ों के आर पार बिल्कुल दिख जाता है तो यहाँ पर कुछ नहीं देखेगा आपको वाइट कलर ही दिखेगा लेकिन अगर आप इस पर कुछ आ, मैं अभी इस पर कुछ बना देता हूँ ठीक है मैं एक शेप यहाँ पर क्लिक कर यूज़ कर लेता हूँ या इंस्टेड ऑफ शेप मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर लेता हूँ मैं कुछ पेंट करता हूँ इस लेयर पे तो मैं लेयर वन की लेयर को सिलेक्ट करूँगा देन आल गो टू माई ब्रश टूल ठीक है आपको ये मत ध्यान देना ये मत ध्यान दो आप कि कहाँ ब्रश है क्या ये समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लेयर पैनल समझो कैसे काम कर रहा है मैं कुछ यहाँ से ब्रश लेता हूँ अभी मेरे ब्रश का कलर है यहाँ पर ब्लैक ठीक है टूल पैनल या टूल बॉक्स के सबसे नीचे आपको दो कलर्स मिलते हैं ब्लैक कलर एंड वाइट कलर तो देख रहे हैं अभी आपको तो ये बाय डिफॉल्ट कलर्स होते हैं फोटोशॉप के ऊपर वाला कलर को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर नीचे वाले कलर को मिलते हैं बैकग्राउंड कलर आप कभी भी किसी भी ऑप्शंस के ऊपर जब आप होवर करोगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर कुछ ना कुछ उसके टिप्स जरूर मिलेंगे या तो उसका नाम जरूर मिलेगा या फिर उसके कुछ डिस्क्रिप्शन का टिप्स जरूर मिलेंगे तो आप अगर यहाँ पे भी जाओगे तो देखो सेट फोरग्राउंड कलर तो ये फोरग्राउंड कलर है फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर देखेंगे आगे लेकिन अभी के लिए इसको समझ लेते हैं तो जैसे ही मैं कुछ पेंट करता हूँ अपने लेयर वन पे अब आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे मैंने ब्रश का यूज़ किया है वहाँ वहाँ पे एक ब्लैक कलर की एक स्ट्रोक दिख रही है एक ब्रश दिख रहा है अब लेयर वन पे जाओ लेयर पैनल पे भी आप देख सकते हो कि सिमिलर तरीके का एक डिज़ाइन दिख रहा है लेकिन बाकी एरिया तो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मैंने सिर्फ वहीं पे, पे पेंट किया तो और जब आप लेयर को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ वही चीज़ सिलेक्ट होगी जो आपने बनाई है अब इसके साथ साथ मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ जितना मुझे करना है ये लेयर वन को सिलेक्ट करके मैं मूव कर रहा हूँ मैं लेयर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा तो वो बैकग्राउंड मूव होगा ठीक है ये आपको हमेशा ध्यान देना मैं लेयर वन को अगेन सिलेक्ट करता हूँ अब मैं दोबारा से ब्रश टूल सिलेक्ट करके एक और यहाँ पर ब्रश यूज़ कर लेता हूँ अब जैसे ही आप ब्रश को सिलेक्ट जैसे ही मैं कुछ बनाकर यहाँ पर अगेन जाता हूँ मूव टूल पे क्योंकि मुझे अब सिलेक्ट और मूव करना है तो जैसे ही मैं कुछ बनाकर मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और लेयर सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि मैंने एक लेयर पे ही दो जगह ब्रश यूज़ किया था तो क्योंकि वो एक सिंगल लेयर है तो आप उन दोनों को अलग अलग मूव नहीं कर सकते तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे क्यों वर्क करना चाहते हो अब ये एक ही लेयर का एक कॉन्टेंट है या एक ही लेयर का आ, विजिबल मतलब ये एक ही लेयर के शेप हैं दीज आर नॉट शेप बाय द वे ये एक ही लेयर पे मैंने पेंट किया था ब्रश से तो क्या हो गया वो एक ही लेयर में कन्वर्ट हो गया जो कि एक सिंगल लेयर बनती है तो क्योंकि वो सिंगल लेयर है तो आप उसको अलग अलग मूव नहीं कर सकते अलग अलग रिसाइज नहीं कर सकते अब मैं एक और बार क्या करता हूँ मैं एक न्यू लेयर और बनाता हूँ ठीक है जैसे ही मैं न्यू लेयर बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो लेयर टू के नाम से आएगा लेयर वन लेयर टू अब ये भी ट्रांसपेरेंट लेयर है अब मैं जाता हूँ और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जल्दी से ब्रश का और मैं एक लेयर का ब्रश बना रहा हूँ करीब करीब ऐसे ठीक है तो ये कुछ यहाँ पर ये डिज़ाइन नहीं बन रहा है मैं सिर्फ आपको यूज़ करना बता रहा हूँ कि जैसे ही आप कोई न्यू लेयर पे आप रेड कलर के साथ मैंने यहाँ पर एक ब्रश बना ब्रश चलाया है अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो आप अब आप देख सकते हो क्योंकि ये सिर्फ न्यू लेयर पे था और एक सिंगल एलिमेंट है उसके अलावा कुछ नहीं है तो मैं इसको ईजीली क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ विदाउट मूविंग एनी अदर लेयर तो इसी तरीके से आपकी लेयर्स वर्क करती हैं कि जिस लेयर पे आप जो चीज़ बनाओगे वो ही मूव होगा और क्योंकि ये लेयर ऊपर थी तो इस ये सारे ब्लैक कलर के ऊपर वाइट कलर के ऊपर सब के ऊपर मुझे रेड का ब्रश दिख रहा है अगर मैं इस लेयर को नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो आप लेयर्स को मूव कर सकते हो नीचे की तरफ बाय क्लिकिंग ऑन दिस लेयर एंड देन क्लिकिंग एंड होल्डिंग इट डाउन एंड मूव इट इन बिटवीन द लेयर्स आप रेड वाली लेयर्स को मैं इसको डबल क्लिक करके नाम चेंज कर देता हूँ रेड एंड ब्लैक ठीक है मैं चाहता हूँ कि रेड वाली लेयर मेरे ब्लैक ब्रश के नीचे चली जाए तो ब्लैक ब्रश मेरा ऊपर दिखना चाहिए तो आप क्या करोगे आप अपनी रेड लेयर को सिलेक्ट करोगे देन यू विल यूज़ योर लेफ्ट माउस क्लिक आप क्लिक एंड होल्ड करके अपनी लेयर को नीचे ड्रैग करोगे तो जैसे ही मैं इस लेयर को क्लिक एंड होल्ड करके नीचे ड्रैग करता हूँ और नीचे ही ब्लैक लेयर के जस्ट नीचे आते ही एक ब्लू कलर का हाईलाइट हो जाता है एक ब्लू कलर की लाइन आ जाती है ब्लैक एंड बैकग्राउंड लेयर के बीच में ये इसका मीनिंग है कि आप जब इसको अब क्लिक छोड़ोगे तो रेड लेयर आपकी बीच में आ जाएगी देखिए बिल्कुल वही हुआ जैसा हमने बोला था या जैसा हमने किया कि जैसे ही मैंने रेड लेयर को नीचे की तरफ शिफ्ट किया तो अब वो ब्लैक और वाइट दोनों के बीच में आपको विजिबल है रेड व्हाइट के ऊपर विजिबल है और ब्लैक के नीचे तो इसी तरीके से आप उसको देख पाते हो और यूज कर पाते हो अब अगर मैं इस रेड को बिल्कुल ही बैकग्राउंड के नीचे ले जाता हूँ तो ये बैकग्राउंड के पीछे दिखेगी और बैकग्राउंड हमारा फुल वाइट है पूरा कैनवस पे है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वो वहाँ पर ढका हुआ है अगर आप बैकग्राउंड को भी मूव करोगे तो आपका रेड ब्रश uh, या रेड लेयर आपको वहाँ पर जरूर मिलेगी ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये लेयर पैनल काम करती है कैसे लेयर्स काम करती हैं या आप जब कुछ डिज़ाइन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बाकी अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए कुछ बनाई कुछ यूज़ करके आप देख सकते हो हाँ मतलब आप कुछ ब्रश यूज़ नहीं कर पाओगे वैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो देर इज़ नो प्रॉब्लम लेकिन अभी वर्क स्पेस में कुछ चीज़ें थी जो हमने ध्यान नहीं दी थी तो उसको एक बार समझ लेते हैं देखिए जब भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो अपने वर्क स्पेस पे, आप कैनवास के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादातर जूम भी करना होता है आपको अपना कैन जूम करने के बाद कैनवास मूव भी करना होता है तो ये समझ लेते हैं कैसे करते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जूम कैसे करते हैं देखिए जब भी आप कैनवास पे जूम करना चाहते हो तो देर इज़ एन ऑप्शन या तो आप अपना सिर्फ स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करो तो आपका ज़ूम हो जाएगा ठीक है आप जूम कर सकते हो और जूम करने के बाद आपको कैनवस मूव करना है अप एंड डाउन तो आप प्रेस करो प्रेस एंड होल्ड योर स्पेस बार कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है सबसे बड़ा बटन जो होता है उसको आप प्रेस करके होल्ड करके रखो तो जैसे ही आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपका एक हैंड का आइकन वहाँ पर आ जाएगा तो हैंड का आइकन आने के बाद आप माउस के लेफ्ट को लाउ माउस के लेफ्ट माउस क्लिक को आई मीन माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके ड्रैग करो तो आपका जो भी कैनवास है वो मूव होगा जिस तरफ आप ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप जूम कर सकते हो अगर आपका स्क्रॉल व्हील से जूम नहीं हो रहा क्योंकि कभी कभी क्या होता है अभी मैंने सेटिंग चेंज कर रखी है तो जूम माउस व्हील से ही हो रहा है लेकिन अगर आपका माउस व्हील से नहीं हो रहा तो प्रेस ऑल्ट ठीक है तो आपको क्या प्रेस करना है ओल्ट को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और आप जब आप स्क्रोल व्हील अप एंड डाउन करोगे तो आपका जूम इन एंड जूम आउट होगा जिसमें मेरा उल्टा हो रहा है क्योंकि मैंने वो चेंज किया हुआ है ठीक है तो आपको ओल्ट प्रेस करके होल्ड करके आपको माउस को अप एंड डाउन करना है तब जाके आपका जूम इन एंड जूम आउट होगा दूसरा ऑप्शन जूम इन एंड जूम आउट का ये है कि आप टूल बॉक्स में सबसे नीचे जाओ यहाँ पर एक जूम का आइकन दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट है Z तो आप उसको क्लिक करके भी यहाँ पर एक जूम प्लस प्लस मतलब आप जूम करोगे क्लिक करो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे जूम कर देगा जहाँ पे आप क्लिक करोगे उस जगह पे ज़ूम करेगा आप जूम आउट करना चाहते हो तो प्लीज़ प्रेस ओल्ट आप ओल्ट को प्रेस करके रखो और आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे अगेन तो आप ज़ूम आउट कर सकते हो या फिर आप टूल ऑप्शंस पर जाओ यहाँ पर जूम इन जूम का ऑप्शन आ रहा है तो ज़ूम करो जूम आउट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर तो जूम आउट कर सकते हो आप ठीक है तो दीज आर द ऑप्शन दैट यू कैन यूज़ फॉर वर्किंग वीडियो फोर्ट शॉप एंड आई होप यू अंडरस्टंड एवरीथिंग अबाउट लेयर्स एंड पैनल्स लेयर्स एंड पैनल्स में जो भी चीज़ अगर रहती हैं तो हम उसको धीरे धीरे कवर करेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सी यू लेटर इन अनदर वीडियो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड प्लीज़ प्रैक्टिस अगर आप कुछ सीखते हैं इन वीडियोज़ को देख कर और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट कोई भी कमेंट आपका है तो प्लीज़ कमेंट डाउन ब्लो इन द चैट बॉक्स और दी कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स इफ़ यू आर ए ग्राफिक डिज़ाइनर और इफ़ यू नीड समन इफ यू हैव समन हु वॉन्ट्स टू बी ए ग्राफिक डिज़ाइनर ओके सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय टिल दैन आई सी यू लेटर